हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह राणा स्वागत करता जी थोड़ा सारे का थोड़े अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रताप अकैडमी के उत्ते। तो अज आप अपनी डेली जीके डॉ सीरीज़ की 8वीं क्लास करांगे भाई। ठीक है, इस सीरीज़ के आप डेली 10% जीके दे डिस्कस करते हैं भाई। जो भी स्टूडेंट नवे है चैनल में सबसक्राइब कर लियो। ठीक है, तो ये क्लास डेली रेगूलर मिलती है, टाइम वैसे 9 बजे है पर अगे पिछे हो जाता है टाइम। ठीक है, डेली रिकॉर्डेड क्लास होंगी है भाई। ठीक है, जो भी स्टूडेंट नवे है चैनल में सबसक्राइब कर लियो भाई। चलो फटाफट आप पहले प्रश्न तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बस तुसी एक छोटा जा काम करना होंगे, 10 क्वेश्चन के थोनू किन्ने क्वेश्चन आते सीगे ये कमेंट करके दसना होंगे, वो जरूर कर दिया करो भाई। ठीक है, सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना पॉलिटिक्स तो है। क्वेश्चन की है जी, भारत के संविधान की प्रस्तावना आजादी के हेठ लिखे रूपों में किसका जिक्र नहीं है? तो संविधान की जी अपनी प्रस्तावना है प्रीएम्बल है। ठीक है, प्रीएम्बल सब तो पहला अमेरिका के संविधान के फिर इंडिया के भी आया, बाकियों के भी है। तो अपनी जी प्रीएम्बल हैगी, अपनी जी प्रस्तावना है, वो आजादी का जिक्र है। आजादी यानी लिबर्टी का जिक्र है कि देश के आजादी होएगी, लिबर्टी होएगी। 5 तरह की आजादी, 5 तरह की लिबर्टी का जिक्र है। क्वेश्चन यह है कि हेठा लिखे रूपों में किसका जिक्र नहीं है? तो वो जी 5 तरह की आबादी, 5 तरह की जी सॉरी आजादी है वो कि नहीं है। तो विचार की आजादी हैगी है जी, विश्वास की आजादी हैगी है, आर्थिक आजादी नहीं है। ठीक है, विश्वास से पूजा की आजादी हैगी है। तो यदा राइट आंसर की हो गया सी, आर्थिक आजादी का कोई जिक्र नहीं है अपनी प्रीएम्बल के अपनी प्रस्तावना के। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा दोबारा समझा देता। देखो ये अपनी प्रस्तावना हैगी है, मैं अंग्रेजी से लिखी है क्योंकि या फिर हिंदी मिलती है। ठीक है ना, तो अंग्रेजी से ईजली थोड़ा समझ आ जाएगी। ये प्रस्तावना हैगी है, ये प्रीएम्बल है। ये कहा गया, देखो एक कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि अपनी प्रीएम्बल अपनी प्रस्तावना कितों स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग द वर्ड की है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, असी भारत के लोग इतों स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये कहा गया कि आप देश में इदा का बनावे, अपना देश योजा होगा, तो इतने जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा जी। की मिलेगा? न्याय मिलेगा सारी सिटीजनस को। किन्नी तरह का न्याय, ये डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। न्याय मिलता है जी 3 तरह का, केड़ा केड़ा? सोशल यानी समाजिक, इकनोमिक यानी आर्थिक, तो पोलिटिकल यानी राजनीतिक न्याय। तो याद रखना है 4 ऑप्शन बना देंगे हैं, सोशल इकनोमिक एंड पोलिटिकल यानी समाजिक आर्थिक अते राजनीतिक, ते चौथा कोई होर लिख देंगे जी जिमें लोकतांत्रिक हो गया इदा कुछ, तो किहड़ा न्याय नहीं मिलता तो वह पछाण लेना आपने। सेम यही क्वेश्चन बनाया हुआ लिबर्टी यानी आजादी। ठीक है, 5 तरह की आजादी का जिक्र है, किन्नी तरह की? 5 तरह की आजादी, थॉट कोई भी अपने विचार हो गए है ना, एक्सप्रैशन कुछ भी अभिव्यक्त करना है जी, एक्सप्रैशन हो गया अपने, बिलीफ किसी के बीच कोई यकीन रखना, बिलीफ रखना, फेथ भी वही चीज़ होगी किसी अपना कोई विश्वास रखना, किसी के वर्शिप किसी की पूजा करनी है। तो 5 तरह की आजादी हैगी है। देखो आजादी दे विच किते भी इकनोमिक नहीं है, इकनोमिक जस्टिस है। तो क्वेश्चन उही सीगा, किस तरह की आजादी का जिक्र नहीं? तो इकनोमिक यानी आर्थिक आजादी का जिक्र नहीं है, बाकी सारी आजादी हैगी है, समझे हो ना भाई? ठीक है, तो यह याद रखना है, जस्टिस पूछते हैं तो 5 जस्टिस पूछते हैं तो 3 तरह की, आजादी पूछते हैं तो 5 तरह की। ठीक है, इक्वैलिटी समानता होगी देश के, समानता किन्नी तरह की? 2 तरह की, स्टेटस की समानता ते अपॉर्चुनिटी की। स्टेटस सारे का जो स्टेटस है, ठीक है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सारे बराबर होंगे, वो स्टेटस हो गया। अपॉर्चुनिटी मौके जोड़े मिलने वो भी बराबर मिलने, तो 2 तरह की इक्वैलिटी की गल है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिमें लिबर्टी के उत्ते पूछा हुआ है 4 ऑप्शन देकर, इदा ही 4 ऑप्शन देकर जस्टिस से भी पूछ सकते हैं, इक्वैलिटी से भी पूछ सकते हैं। ओके, बाकी प्रीएम्बल उत्ते क्वेश्चन बहुत है, मैं थोड़ा ऑलरेडी पोल्टी कराया हुआ है। नैक्सट आओ जी, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी का मुखी कौन है? नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, इस संस्था का मुखी कौन है? ये संस्था हैगी है बई सैट्यूटरी बॉडी है, बकायदा एक्ट पास करके बनाई गई थी 2005। ठीक है, एक्ट केड़ा सीगा जी? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, तो उस एक्ट तो बाद ये संस्था अपनी बनी है सन 2005 दे विच। ठीक है, सुपर इंपोर्टेंट है, याद रखना, तरीक भी याद रख सकते हो तो याद रख लियो, 23 दिसंबर यह संस्था बनी सी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर की होंगे? कोई आपदा आ जानी, आफत आ जानी, मैनेजमेंट वह होंगे वह प्रबंध करके रखना। ठीक है, जिम्मे हड़ वगैरह आए हैं तो देखिए ना, NDRF की टीमों ने मैनेजमेंट करी हुई सी, उन्होंने किश्तियां वगैरह हैगी है, सारा कुछ है ना, तो वह सारा कुछ मतलब क्या होंगे, आपदा का प्रबंध करना होंगे। अथॉरिटी हैगी है बकायदा, तो यह अथॉरिटी किदे अंडर आती है? यह जी अथॉरिटी है भी NDMA, कन्फ्यूज़ नहीं होना, यह आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर। किदे अंडर आती है? होम
मिनिस्ट्री के अंडर आती है, पर सब तो मेन गल इस अथॉरिटी का जिहड़ा हैड है वह होम मिनिस्टर नहीं है, वह प्राइम मिनिस्टर है भाई। तो यदा राइट आंसर प्राइम मिनिस्टर हो गया। कन्फ्यूज नहीं होना, नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, बट यदा हैड प्राइम मिनिस्टर है। क्लीयर है? यह संस्था बनी सी 2005 के विच, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आने तो बाद हैडक्वाटर नवी दिल्ली के विच है। चलो अगे, नवा जल सेना निशान। तो थोनों पता है अपनी जी नेवी है बी जल सेना, वह नवा एक निशान आया हुआ है, ठीक है, चेंज कर थोड़े टाइम पहले गवर्नमेंट ने। किस आकार के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक को दर्शाता है, यानी कि जो नवा निशान है वह किस आकार के अंदर, जो अपना राष्ट्रीय प्रतीक है नैशनल एम्बलम, चार शेर है सामने तो अपन तीन दिखते हैं, वह चार शेर जो है जी, जो अपने सारनाथ तो लिया अशोका दी अशोका के सारनाथ स्तंभ तो, है ना। तो उस राष्ट्रीय चिन्ह किस आकार के अंदर दर्शाता हुआ है जोड़ा अपना नेवी का नवा चिन्ह है, मैं थोड़ा फोटो दिखा दूंगा। फिलहाल पहला एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो, हिंदी च पंजाबी मैं ट्रांसलेट कर देता। ग्रीन मतलब हरे रंग का है, हैगजागन मतलब छे कोने है, छे कोने वो है भाई, ठीक है ना। ब्ल्यू नीला है, ऑक्टागन अठ कोने वो है, अष्टभुज जिन्हों पर हिंदी बोल देंगे। ओरेंज कलर का हैगजागन छे कोने वाला, या चिट्टे कलर का है अठ कोने वाला अष्टभुज। तो जिहड़ा नवा लोगो है, पहले तुसी नवा लोगो ही देख लो, ये हैगा है नवा लोगो, ठीक है। ये ब्ल्यू कलर का है, किहड़े कलर का है, ब्ल्यू ते ओक्टागन है। ओक्टागन मतलब अठ भुजा उहदी हैगी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ते 8, ठीक है, समझो भाई, ये याद रखना है। तो ये अंदर हैगा राष्ट्रीय प्रतीक अपना नैशनल एम्बलम, ओके। चलो, विश्व के सब तो पुराने अखबारों विचों एक हैगा जी विनर जेतू, एक कड़े देश का है, ठीक है, एक कड़े देश का अखबार सीगा उत्ते प्रकाशित होया सी, तां इहदा राइट आंसर आएगा ऑस्ट्रिया। राइट आंसर की है ऑस्ट्रिया, ते ऑस्ट्रिया की राजधानी की है वेना, याद रखना। ते इत्थे वेना दे विच भाई सुपर इंपोर्टेंट है, इत्थे थोनू एक हैडक्वाटर मिलता है, किहदा हैडक्वाटर है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, ऑयल अते पेट्रोल नू एक्सपोर्ट करने वाली बेचने वाली कंपनियां हैगी हैं, ऑयल एंड पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री उहदा हैडक्वाटर मिलता है जी, ठीक है, याद रखना है। चलो फिर नैक्सट आओ, हेठां दित्तिआं विचों किहड़ा दमदम बुखार जां काला अजर का कारण बनता है, दमदम बुखार जां काला अजर का कारण बनता है, कि आ चीज़ है जी, बैक्टीरिया फंगस प्रोटोजोआ जां वायरस, ठीक है। देखो जिन्नी भी बीमारियां हैगियां मेनली इन चार चीज़ों तो फैलदियाँ, या तो उन्होंने फैलाने वाला कोई बैक्टीरिया होएगा, बैक्टीरिया करके होंगी है, या फंजाई फंगस वो करके होंगी है बई, या प्रोटोजोआ करके होंगी है, प्रोटोजोआ जिन्होंने आप परिजीवी बोल देते हैं, या वायरस जिन्होंने आप विषाणु बोलते हैं, तो बैक्टीरिया आप जीवाणु बोलते हैं बई। बीमारिया के चार ही मेन कारण है, जब बीमारी वायरस तो होएगी, जिमें करोना हो गया, करोना का आप कहें ना वायरस है, करोना वायरस है, तो या तो बीमारी वायरस तो होएगी, या होएगी बैक्टीरिया तो, या होएगी फंगस तो, या होएगी प्रोटोजोआ तो, ठीक है। तो क्वेश्चन जिन्नी भी बीमारियां हैगियां उन्होंने उत्ते ये क्वेश्चन बहुत कॉमन बनता कि यह बीमारी किस तो फैलती है, चार ऑप्शन देवे होंगे हैं, बैक्टीरिया फंगस प्रोटोजोआ वायरस। क्वेश्चन हूँ ये आ जाओ, दमदम बुखार या काला अजर है जोड़ा वो कि फैलता, वो फैलता है जी प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ जिहड़ा भी प्रोटोजोआ है इस बुखार को फैलाता है, उसनू वास्ते वैक्टर का काम कौन करता है, वैक्टर। हुण वैक्टर की चीज़ है, देखो वैक्टर होंगे अजिही कोई भी चीज़ जिहदा इस्तेमाल करके ये जिहड़ा प्रोटोजोआ बाहर पिया सीगा इनवायरमेंट दे विच, वो चक के थोड़ी बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। जिवें आपां कहिंदे आ वी डेंगू जां मलेरिया जां चिकनगुनिया ये मच्छर के कट्टण तो फैलते हैं, किदां फैलते हैं, जिहड़ा भी ये बैक्टीरिया या वायरस बाहर इनवायरमेंट दे विच पिया वो मच्छर दे नाल लग के मच्छर दे थ्रू साडी बॉडी च जांदा है, तां करके जो चिकनगुनिया या मलेरिया या जिहड़े डेंगू रोग है ये होंदे हैं, ठीक है, साडी बॉडी दे विच आंदा है, वो बाहरों आंदा है, बस उहनू लैके कौन आया, वो लैके आया मच्छर, ठीक है, वो वैक्टर हो गया जिहड़ा उसनू ट्रांसफर कर रहा है इधर तो उधर। सेम इदां ही वो जिहड़ा प्रोटोजोआ जिहदे करके दमदम बुखार या काला जर बुखार हुंदा है उहदा वैक्टर कौन है, उहदा वैक्टर हुंदी है सैंड फ्लाई, उहदा वैक्टर कौन हुंदी है, सैंड फ्लाई मक्खी होंगी है बई, बालू मक्खी जिन्होंने आप बोलते हैं,
ठीक है चलो नेक्स्ट आओ जी। लैम्फी सैम्फी, लैम्फी सैफी नहीं, सैफी लैम्फी, ठीक है। सैफी लैम्फी जड़ी हैगी है एक परंपरागत टेक्सटाइल फैब्रिक, एक कपड़ा है, स्कूल मुनाफी गल है, ये एक कपड़ा है, ठीक है, जिवें परना टाइप हुंदा, गमछा टाइप हुंदा, उस तरह का। एक केड़े केड़े राज का जीआई उत्पाद है, जीआई टैग इनू मिले हुआ है, केड़ी स्टेट का है? ये देखो पहली गल तो जीआई टैग बारे थोड़ा सारे नूं पता होना चाहिए। जीआई टैग इदा भी किसी भी चीज़ में कोई चीज़ है ना, कोई एरिए की खास होंगी है, जिवें आप कहें भी पंजाब की फुलकारी है ना, तो फुलकारी में जीआई टैग हो गया है ना। इदा करके हर स्टेट की अपनी, हर इलाके की अपनी कोई ना कोई खास चीज़ होंगी है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों जीआई टैग मिलता है, ठीक है। तो इदा ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिहड़ा सैंफी लैम्फी एक तरह का एक कपड़ा है, ठीक है, इसनों जीआई टैग है, ये कि स्टेट का? तो यह है मणिपुर का। कितों का है बई? मणिपुर का, ठीक है, सुपर इंपोर्टेंट है, याद रखना है। तो जी आई टैग करंट अफेयर तुम पढ़ते हो, करंट अफेयर के आते ही रहेंगे हैं कि इस चीज़ में जी आई टैग मिल गया, इस चीज़ में जी आई टैग मिल गया, तो याद रखना होंगे जी भी चीज़ में जी आई टैग मिले वो कि स्टेट की हैगी है, तो है की चीज़ है। कई बार ये भी आ सकता है कि मणिपुर की एक चीज़ हैगी है जी सैंफी लैम्फी, इनू जी आई टैग है की चीज़ है? सैंफी लैम्फी की चीज़ है? कोई फसल है, ठीक है, कोई फ्रूट है, कोई कपड़ा है, कोई खिलौना है, इदा करके ऑप्शन दे भी होंगे हैं, तो वह भी पता होना चाहिए। जिम्मे फुलकारी के उत्ते आ जाए भी, फुलकारी पंजाब के फुलकारी जी आई टैग है, फुलकारी की चीज़ है? हूँ आपको तो पता, क्योंकि तमिलनाडु वाले थोड़ी पता होगा कि फुलकारी की चीज़ है। तो इदा ही जी होर स्टेटा की जी आई टैग मिले हुई चीज़ों उन्होंने बारे आपको पता होना चाहिए। हाँ जी नैक्सट है जी। मेरठ का प्रकोप अचानक थोड़े समय लिए गर्मिया की हनेरी वाग सी। तो मेरठ का जोड़ा प्रकोप या आउटब्रेक है, मतलब मेरठ के जो तो क्रांति हुई है 1857 के विरोधी, मैं गल विद्रोह की गल कर रहा है, जो नौ तो 10 मई में, 10 मई मान लो, 10 मई में 1857 के क्रांति होंगी, अंग्रेजों को मारिया जाता है, ठीक है ना, उत्थे नारा चलता है मारो फिरंगियों को, तो उत्थों वे मेरठ के बागी आ जाते हैं दिल्ली, दिल्ली के विद्रोह होंगे। तो वो जोड़ा दौर सी उसू की कहा गया कि वह थोड़े समय लिए गर्मिया की जिम्मे हनेरी आती है ना, गर्मिया के तूफान आ जाता है थोड़े समय वास्ते, उदा ही सगा वो। तो यह 1857 के विद्रोह के हवाले नाल यह बयान किहड़े इतिहासकार ने दिया सीगा? यानी मेरठ तो जो विद्रोह स्टार्ट होया उसनू कहा, यह तो छोटी जी गल सी जिवें गर्मियों के हनेरी आती है उदा ही सीगा जी, ठीक है। ये किने कहा? यह कहा जी एस एन सेन ने। यह स्टेटमेंट कि दी है? एस एन सेन की स्टेटमेंट है, सुपर इंपोर्टेंट है, याद रखना। सतेंद्र सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्र नाथ सेन या एस एन सेन ही होता लिखा हुआ, इन्हें कहा, ठीक है जी। बाकी 1857 के विद्रोह को आजादी की पहली लड़ाई किने कहा, ये मैं कमेंट करके दसोगे। 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई किने कहा? हेठां दित्ती खेडां विचों केड़ी नूं पहलां मिंटो नैट वजो जाणिया जांदा सीगा? मिंटो नैट वजो। तो ये चार गेम हैगियां, इन्हां विचों केड़ी गेम नूं पहलां मिंटो नैट कहा जांदा सी? ये कहा जांदा सीगा जी वॉलीबॉल नूं। वॉलीबॉल दे विच छे प्लेयर हुंदे हैं, किन्ने प्लेयर हुंदे हैं? छे प्लेयर। वॉलीबॉल एक टीम दे विच छे प्लेयर हुंदे हैं टोटल नहीं, ठीक है। वॉलीबॉल नूं पूरी दुनिया दे विच केड़ी संस्था मैनेज करती है? FIVB, FIVB यानी इंटरनेशनल वॉलीबॉल फैडरेशन, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फैडरेशन। तो इस संस्था का हैडक्वाटर कित्थे है भी? इस संस्था का हैडक्वाटर कित्थे है? ल्यूजेन स्विट्जरलैंड दे विच है, स्विट्जरलैंड, ठीक है जी, याद रखना है, स्विट्जरलैंड दे विच हैडक्वाटर हैगा आ, यह गल याद रखियो भाई, ठीक है। चलो फिर नैक्सट क्वेश्चन पर आओ। शाहजहां के राजकाल का सब तो प्रसिद्ध इतिहासकार हेठ लिखे विचों कौन सी? तो मुगल बादशाह शाहजहां की गल हो रही है बी, शाहजहां उही है जिन्हें ताजमहल बनवाया सीगा, लाल किला, ठीक है, ये उही शाहजहां हैगा, ठीक है। इस दे काल का सब तो प्रसिद्ध इतिहासकार कौन सीगा? तो इस दे काल का जी सब तो प्रसिद्ध सीगा जी अब्दुल हामिद लाहौरी। ये राइटर, ये इतिहासकार शाहजहां का सब तो प्रसिद्ध सीगा, ठीक है। इहदी लिखी हुई किताब याद रख लियो जी, पातशाहनामा, पातशाहनामा, ये अब्दुल हामिद लाहौरी की लिखी हुई किताब है जिहड़ी याद रखनी है आपां ने। चलिए फिर अगे, चलो बई हेठां दित्तियां विचों दुनिया का सब तो उच्चा टापू किहड़ा है? इन्हां ने उच्चा पूछा बई, वड्डा नहीं, जे वड्डा पुछदे हैं लार्जेस्ट पुछदे हैं तो लार्जेस्ट आ जाता है ग्रीनलैंड, ठीक है। लार्जेस्ट टापू किहड़ा है? ग्रीनलैंड है, पर इन्हां ने हाईएसट पुछा है, हाईएसट,
हाईएस्ट मतलब पहली गल तो टापू थोनों पता है ना, टापू भी कोई अपना पानी दे विच कोई धरती होगी वही टापू हो गया ना। तो समुद्र दे विच देखो मान लो ये दो टापू हो गए, ये समुद्र है एक, ये टापू है जी इदा करके, एक टापू हैगा ए, ठीक है बड़ा तो ए है जे आप एरिया देखिए बड़ा तो ए वाला हो गया भाई, ठीक है। पर इन्होंने ऊंचा पूछा जिसकी हाइट ज्यादा है, तो यदा फिर राइट आंसर पता है कि आएगा हाईएस्ट, ये आएगा न्यू गिनिया, ठीक है। न्यू गिनिया का टापू है जड़ा ये सब तो ऊंचा टापू है, ठीक है। तो न्यू गिनिया का ये टापू हूँ, ये टापू के उत्ते बहुत वड़े वड़े पहाड़ है, ताही ता ये ऊंचा है, पूरी दुनिया का सब तो ऊंचा टापू है। ग्रीनलैंड जोड़ा है सब तो व्डा है, पर ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, इस करके ऊंचा नहीं है। तो सब तो ऊंचा टापू हैगा न्यू गिनिया, तो ये पुंचक जाया करके एक पहाड़ है, वो पूरी दुनिया का सब तो ऊंचा टापू वाला पहाड़ है, समझ रहे हो। वैसे पूरी दुनिया का सब तो ऊंचा पर्वत केड़ा है, माउंट एवरेस्ट है, पर टापू के उत्ते ना हैगी माउंट एवरेस्ट, टापू के उत्ते केड़ी है पुंचक जाया। पुंचक जाया, ठीक है ये याद रखना है। ये पुंचक जाया जी है इंडोनेशिया के बीच है, कितने है इंडोनेशिया। ये जो टापू है न्यू गिनिया ये दो हिस्सों से वंडिया होया, ये टापू जोड़ा हैगा दो हिस्सों से वंडिया होया, अद्धे देश के उत्ते इस मतलब न्यू गिनिया के अद्धे हिस्से के उत्ते इंडोनेशिया देश का कब्जा, अद्धे के उत्ते एक पैपुआ न्यू गिनिया ना तो कंट्री है, ठीक है वो अलग है। तो इस टापू के उत्ते एक पहाड़ है, एक पर्वत है पुंचैक जाया जो कि इंडोनेशिया के बीच है, 4,884 मीटर हाइट है, ठीक है ये गल्ला याद रखनी है। इसको दोबारे समझ लो थोड़े जे पिछे करके वीडियो में। सब तो व्डा टापू ग्रीनलैंड है पूरी दुनिया का, पर सब तो ऊंचा टापू हैगा न्यू गिनिया, ये दो कंट्रियां मेन है, अद्धे हिस्से से इंडोनेशिया, अद्धे देते एक सैपरेट कंट्री है पैपुआ न्यू गिनिया ना दे ना करके, ठीक है। तो इस टापू के उत्ते सब तो ऊंचा पर्वत जोड़ा है पुंचैक जाया है जोड़ा इंडोनेशिया के बीच, ओके क्लीयर है, ठीक है बई। तो यह अपना 10वां क्वेश्चन, बाकी बी डेली सवेरी करंट अफेयर की क्लास होंगी है 7 बजे, ठीक है लाइव अद्धे घंटे की क्लास होंगी है, बहुत इंपोर्टेंट है बी डेली के करंट अफेयर पढ़ना तो जरूर लगाया करो, जो सवेरे 7 बजे टाइम नहीं होंगे एक क्लास पई रही है बाद लगा लिया करो, 10 क्वेश्चन डेली नोट कर ही करो जिवें तुम ये 10 क्वेश्चन करते हैं, तो यह भी 10 क्वेश्चन होंगे करंट के, नाले 5-4 क्वेश्चन वनलाइनर रूप के मैं थोड़ा कराता वह भी कर लिया करो, ठीक है। तो बई 12 बजे सुपर इंपोर्टेंट है मैथ की क्लास चली हुई है, पूरा मैथ तो रीजनिंग थोड़ा कराई जाएगी, ठीक है। हूँ एवरेज चल रहा उस तो बाद अगे के चैप्टर कराएंगे सर दीप सर, तो इन बारे तो कुछ कहने की लड़ है ही नहीं, थोड़ा पता है लैजेंड बंदे हैं, ठीक है। तो P++B वीडियो फायरमैन कोई भी पेपर आना अगे सारे वास्ते वधिया, ठीक है ओके। बाकी ये दो नंबर अपने हैगे अकैडमी के उत्ते कंटैक्ट कर सकते हो, ये टैलीग्राम चैनल है भी इनू जरूर ज्वाइन कर लो, अपनी ऐप हैगी है प्रताप अकैडमी ऐप ये डाउनलोड कर लो भाई, ठीक है। तो सब तो मेन गल 5 सितंबर तो ऑनलाइन बैच स्टार्ट है, चाहे थोड़ा 2024 दे विच कोई भी एग्जाम होवे, कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है सारे वास्ते है, चाहे थोड़ा एग्जाम TCS ने लेना होवे, चाहे P++B ने लेना होवे, चाहे PPSC ने लेना, सारे वास्ते बैच होएगा, एंड बैच होएगा, लेजेंड बैच होएगा, ठीक है। तो 15 सितंबर तो ऑफलाइन बैच भी शुरू है बई, जिन्हें साढ़े को इतने आके पढ़ना है अकैडमी आके पढ़ना है क्लासा के बैठ के वह भी पढ़ सकते, ठीक है। 15 सितंबर तो बैच स्टार्ट है, ठीक है जी ओके, मिलते हैं फिर तुम नैक्सट क्लास के, थैंक यू। बाकी एक गल होर बई, सबसक्राइब जरूर कर लियो चैनल, ठीक है ओके।